थैंक गॉड किसी ने देखा नहीं। ये तेरा पहला करवा चौथ है ना? जी आंटी जी। इसीलिए हीरोइन बनी हुई है, बाद में जब हवाइयां उड़ेंगी ना, भूख लगेगी तो पति पे गुस्सा आएगा। कुछ खा ले, ये ले मैं खिलाती हूँ, खा ले पेट भर के। आंटी जी आप कितने सालों से करवा चौथ का व्रत रख रही हैं? 31वां। 31 सालों से? पर आंटी जी आपकी शादी को तो 30 साल हुए हैं ना? हाँ, लेकिन मेरी माँ ने मुझे शादी के पहले भी व्रत रखवाया था। वो कहती थी शादी के पहले व्रत रखेंगी ना तो अच्छा घरवाला मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ कि हमारे यहाँ जो कुंवारी लड़के हैं ना, तारा देखकर व्रत तोड़ती हैं, नहीं तो मेरी तो बैंड ही बच जाती थी। फिर तो वो बिल्कुल ही ठीक कहती थी आंटी जी, अंकल जी तो वाकई अच्छे हैं। अच्छा ये तो मुझसे पूछ। चम्मच दूँ? अच्छे से खा ले पेट। फिर तो हमें भी हमारा घरवाला मिल जाएगा। ये यहाँ छुपी क्यों हुई है? देवयानी तू यहाँ क्या कर रही है? हम ना यहाँ अलका दीदी को देखने आए थे, वो उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है देखने के लिए। तू इतनी जल्दी कैसे उठ गया? वो पापा मुझे लगा कि मम्मी को कुछ ना चाहिए। इतनी सुबह? आंटी जी हम भी सर्गी खाए। क्यों भाई, तूने व्रत रखा है? नहीं व्रत नहीं, वो हलवा खाना है ना मैं इसीलिए। ओहो रखा तो मैंने भी नहीं है, तो मैं कुछ खाऊंगा नहीं क्या? खाने दे बच्ची को। बच्चे बाकी लोग जैसे व्रत के टाइम पे बाथरूम में छुप के खा लेते ना, तू भी खा लेना कोई बात। अरे ऐसे थोड़ी व्रत होता है, व्रत का एक नियम होता है। ऐसे ही नहीं आप एम से एक्सेल हो गए होगा। ये मेरे 31 सालों का करवा चौथ का प्रताप है जो आप इतने फल फूल रहे हो। आप रख के दिखाओ। और रहन दे, पहले ही तो डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल हो जाएगी। हे तोड़ू व्रत, खाऊं तंदूरी चिकन? बेटा आ मैं तेरे को हलवा खिलाऊं। पापा मैं भी आया। ये ना तेरी मिंटी आंटी ने खुद बनाया है, इसमें सूजी डाली, घी डाला, चीनी डाली। दिव्यानी इतनी सुबह यहाँ, कोई बात तो जरूर है। अरे अनु तुम्हें कॉलेज जाना है ना, हम सर्व कर देते हैं, तुम जाओ। और आपको सारा दिन भूखा प्यासा रहना है। पापा कुछ कहिए इन्हें। हाँ बेटा तुम आराम कर लो। रोहन जी की आयु और खुशी में बढ़ोतरी के लिए तुमने इतने समय व्रत रखा है, इतना काफी आज के लिए। अब अनुष्का वो हमें कॉलेज के लिए देरी हो रही है, हम निकलते हैं ठीक है? अब हम अपनी बैग भूल गए, बैग लेके आते। अरे रुको कुछ खा के तो जाओ। नहीं अनुष्का हमें भूख नहीं लग रही है। क्यों, तुमने भी करवा चौथ का व्रत रखा है क्या? नहीं नहीं पागल हो क्या तुम, वो हमें देरी हो रही है ना इसीलिए, और कुछ नहीं है। देवयानी आओ। नहीं अनुष्का देरी हो रही है ना। आओ इधर। एक बात बताओ, तुम किसी और कॉलेज में पढ़ती हो क्या? हम भी तो उसी कॉलेज में पढ़ते हैं, क्या देर हो जाएगी, चलो कुछ खाना खा लो। अरे नहीं अनुष्का वो हम भूख नहीं लग रही आज हमें। भूख नहीं लग रही, हम कह रहे हैं ना चलो कुछ। अरे नहीं नहीं प्लीज अनुष्का चलो बैठो बैठो, देर हो रही है, एक पराठा खाने से कितना टाइम जाएगा। हाँ अनुष्का अब वो हम अलका दीदी के सामने ये नहीं खा सकते, उन्हें बुरा लगेगा ना। हम एक काम
करते हैं, अपने रूम में जाकर खा लेते हैं ना। पक्का खाओगे ना? हाँ हाँ पक्का खा लेंगे। यहाँ डाल दो। नहीं 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 सी यहाँ छुपा दो। नहीं कहाँ रखूँ? इस रास्ते में किसी गरीब को दे देंगे, दुआई देगा ना, ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि तुम लोगों की जोड़ी सलामत रहे, इसी बहाने रजत सर और हमारी जोड़ी भी बनी रहेगी। सुबह से ही लग रहा था ना कि तुम कुछ उल्टा फुल्टा काम कर रहे हो। तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है देवयानी? नहीं नहीं रखा? नहीं नहीं रखा ना? मुंह खोलो, मुंह खोलो। क्या खा के देखा? पेट भरा हुआ है? हाँ एक निवाले से कुछ नहीं। मुंह खोलो देवयानी, मुंह खोलो, आ करो। रखा 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 रजत के लिए। क्या करती हो दिव्यानी? उसे पता भी है कि तुमने व्रत रखा है? बिना सिर पैर के काम करती हो, करवा चौथ का व्रत, इसका मतलब समझती हो? तुम्हारी शादी भी नहीं हुई दिव्यानी और करवा चौथ का व्रत। कोई बात नहीं दीदी, हमें पूरा भरोसा है कि हम ये व्रत रखेंगे ना तो रजत सर से हमारी शादी हो जाएगी। और आप ही सोचिए, इस दुनिया की सारी औरतें इस दिन व्रत रखती है, कोई तो ताकत होगी ना इसमें। तभी तो आपने भी ये व्रत रखा है जीजू के लिए। हाँ दिव्यानी, काश हम दोनों का ही ये भरोसा ना टूटे। हमारा भरोसा कभी नहीं टूटेगा दीदी, हमारे भरोसे में बहुत ताकत है। टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बात तो ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। दीदी भोर हुई गई पर आपने अब तक कुछ किया ही नहीं, कोनो अच्छा प्लान मिला नहीं बना का? संतो, अच्छा प्लान तभी बनता है जब उसे सही समय पे लागू किया जाए, और सही समय अब आया है। हेलो हेलो मिंटी आंटी, कैसे हो आप? हैप्पी करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ, इसने तो मुझे कंफ्यूज ही कर दिया। आपको भी थैंक यू। मैं सोच रही थी हम पहले कितने अच्छे फ्रेंड्स होते थे, और अब ये अलका की वजह से सब खत्म सा हो गया है। ये सुनहरा टाइम कब आ गया था? कुछ भी बोलती। मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी मिंटी आंटी। मैं सोच रही थी ना कि क्यों ना हम करवा चौथ की पूजा सब साथ में करें, मोहल्ले की औरतें, हमारी सहेलियां सब साथ में, कितना मजा आएगा, है ना? अब आया ना समझ? तो चाहती है कि मैं अलका को भी अपने साथ लेके आऊं, ताकि सब मोहल्ले की औरतों के सामने तो उसकी बेइज्जती कर सके। क्या हुआ मिंटी आंटी? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं अभी डॉली से बात करके ना बिल्कुल 5-star प्लान बनाती हूँ पूजा का। हाँ आस्था, वृंदा बहन जी को भी लेके आना अपने साथ। चल अब बोल भी दे, चाहे तो अलका को भी ले आना। वैसे मिंटी आंटी, मेरा दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके लिए, सिर्फ आपके लिए कह रही हूँ, अगर आप चाहो ना तो अलका को साथ में ला सकते हो। जितना भी आधा अधूरा असर होगा उसके पूजा का, होगा तो मेरे देवर पे ही ना। मैं अलका को ले आऊंगी अपने साथ। हाँ तेरा जो भी प्लान है उससे मेरा भी तो एंटरटेनमेंट होने वाला है, इसलिए इतना पार्ट तो मैं भी प्ले कर सकती हूँ। बाय बाय दीदी।
हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। अरे का प्लान है आपका? प्लान नहीं, प्लान्स, वो भी दो दो। और प्लान्स में ना तेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है। देवरानी जी, क्या लगता है आपका प्यार खींच लाएगा देवर जी को? अब भूल कैसे गई, रास्ते में मैं खड़ी। This year is not good. इसको चेंज करो। सारे प्रॉफिट लॉस गलत दिखा दिए इसने। इसको चेंज करने की जरूरत, ये सारे डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं उनको। पी लीजिए देवर जी, ये शरबत पीने के बाद आप वॉशरूम के इतने चक्कर लगाओगे कि आपको किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी, चाहे वो देवरानी जी के दिल की आवाज ही क्यों ना हो। भाई वाला शरबत देवर जी को ही दिया ना, ये लेते रहे ना। अब देखते हैं देवरानी जी, आपका व्रत खोलने के लिए आपको पानी कौन पिलाता है। कंट्रोल मिट्टी, कंट्रोल। तुझे ना खाने से ज्यादा सरीन साहब से प्यार है। ना ना ना, मुझे खाने से भी प्यार है। हाँ लेकिन सरीन साहब से ज्यादा तो नहीं ना। क्या करूं, खाना सरीन साहब, सरीन साहब खाना। नहीं मिट्टी, थोड़ी देर की तो बात है, अभी तो जान निकल आएगा। आज अगर करवा चौथ का व्रत रख लिया तूने, तो फिर सारा साल सुना तो सकेगी ना। हाँ ये ठीक रहे। ये इतनी सजी धजी हुई क्यों है? कहीं इसका सुलह तो नहीं हुआ है? लास्ट रिपोर्ट तो यही आई थी कि तलाक के कागज आ गए हैं। आंटी जी, क्या हुआ, आपको कुछ चाहिए? नहीं, अब सब गेस्ट आए हैं, उनको देखूं ना, और रात की तैयारी भी करनी है। आंटी जी आप फिक्र मत कीजिए, गेस्ट को हम हैंडल कर लेंगे, और रात का खाना भी हम मैनेज कर लेंगे। तू ना मेरी सबसे फेवरेट है, पर अभी तो हमें ना बगल वाले कंपाउंड में जाना पड़ेगा, जहाँ सब लेडीज इकट्ठी होकर पूजा करती है, रात को चांद देखती है और व्रत तोड़ती है, उसके बाद कहीं खाने का। ठीक है आंटी जी, आप आराम कीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। तुसी भी ना कभी भी टाइम पे नहीं आते हो। हाँ और क्या, हाँ मैं बाद में फोन करनी है। मिंटी है? मिंटी हाय मिंटी। लड्डू? लड्डू नहीं, मिर्ची। मैं क्या, जो शास्त्री जी की फास्ट वाली लड़की है, आज ये स्लो कैसे हो गई है? इसकी बात कर रही तू? देख ना उसकी बात कर रही। हाय ओह, इसने कहीं करवा चौथ का व्रत तो नहीं रख लिया? तू भी ना प्लीज। प्लीज क्या, वैसे मैंने इसको सिर्फ दो लड़कों के साथ देखा है, एक ते तेरा नील और दूजा तेरा रजत।
ओ जी प्लीज बता देना कि किसकी उम्र बढ़ा रही है ये? पता है व्रत रखा है लेकिन बातें तो अच्छी कर सकती है ना। जा तू नहीं बताती तो क्या है, शादी होगी तो हमें खुद ब खुद पता चली जाएगा। और वैसे भी बेचारी भूखी रह के भगवान से मांग रही है, भगवान ने मना तो नहीं करना है ना, है ना? दीदी पता नहीं चांद कब तक निकलेगा। बेटा जी आज के दिन तो चांद ने बड़े नखरे दिखाने हैं, और वैसे भी नखरे दिखाने का हक हर किसी को नहीं होता, ये तो सिर्फ खास चीजों को होता है। तुम भी कर लो नखरे अनु, तुम्हारा भी हक बनता है, खास हो तुम और चॉइस तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है वेट करूंगा, कभी ना कभी तो तुम भी मान जाओगी उस चांद की तरह। और चांद आज के दिन सबसे खास है, है ना? तो ये जब निकलने का मन बना लेगा तब हम खा लेंगे। कैसे हैं आप? बस आपको बताना चाहते थे कि हमने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। मम्मी जी जल्दी कीजिए ना, अब्बा औरतों ने व्रत खोल लिया ना तो मजा नहीं आएगा। अरे तुम वो औरतों को व्रत तोड़ते हुए देखने जा रही हो या चांद देखने जा रही? रिलैक्स करो, आ जाएंगी वो। बेटा मैं आज व्रत घर पर ही खोल दूंगी, तुम्हारे पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? लूज मोशंस। हैं? लूज मोशन ही है। संतों की बच्ची 100 रुपया इनाम में दिया था, देख कैसे जुर्माना लेती हूँ तुझसे। माँ आप कहें तो मैं यहाँ रुक जाऊँ? नहीं नहीं, फिर आस्था कैसे व्रत खोलेगी? तुम चिंता मत करो जाओ, और किसी चीज की जरूरत हो तो रोहन तो है ही ना घर पर। चलो जल्दी चलो। अच्छा सुनिए ना, हाँ। आप जाके गाड़ी निकालिए, मैं 2 मिनट में आती हूँ। जाइए जाइए, जल्दी आना। हाँ देवर जी, आपसे एक काम था। हाँ भाभी। हम करवा चौथ के लिए बाहर जा रहे हैं, पर डैडी जी की ना तो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी जी हैं उनके पास, पर आप भी उनका ख्याल रखना। जी भाभी। आप कहीं बाहर तो नहीं जा रहे ना? भाभी मेरी तबीयत भी खराब है, कहीं जाने की हालत में नहीं, पर फिर भी पापा का ख्याल रखूंगा, आप आराम से जाइए। ये कह के तो आपने मेरी तबीयत ठीक कर दी। डैडी जी की ऐसी तबीयत खराब हो गई होगी, अब वो स्पेशल शरबत पक्का आपने पी है। ठीक है देवर जी, हम लोग निकलते हैं, जल्दी आने की कोशिश करेंगे, आप अपना ख्याल रखना ठीक है? जी भैया। और आपकी पत्नी का ख्याल मैं रख के आती हूँ।